तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहन और स्वागत है आपका है गोस्ट गेमिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप अपने GTA 5 में जो बुगाटी वेरोन एड ऑन या फिर मोड भी कह सकते हैं, उसे आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और क्या एकदम वर्केबल है गाइस। तो चलिए मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको उस लिंक पे चले जाना है, ठीक है गाइस। आपको ऐसे मेरी तरह कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब और फिर आपको अपना कोई भी ब्राउज़र खोल लेना, मैं यहाँ क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस आपको वो उस लिंक पे चले जाना है, ठीक है गाइस। ये देखिए आप रिडायरेक्ट उस लिंक पे आ जाएंगे, ठीक है गाइस। लेकिन गाइस आपको एक चीज़ याद रखनी है गाइस कि अगर आपने अभी तक अपनी GTA 5 को मॉड नहीं किया या फिर उसमें मेन्यू ट्रेनर ऐड नहीं किया है, तो आप पहले वो कर लें, ठीक है गाइस। अगर आपको नहीं आता उसे कैसे करें तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका भी, ठीक है गाइस। तो चलिए अब इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए बुगाटी वेरोन एड ऑन, ठीक है गाइस। यहाँ हम फिर से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। ये गाइस मेरा डाउनलोड हो रहा है, 2 मिनट का टाइम लगेगा गाइस। तो गाइस अगर आपको मॉड करना नहीं आता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, हाउ टू एड एव मोड योर GTA 5, ओके गाइस, या फिर हाउ टू एड चीट मेन्यू ट्रेनर इन योर GTA 5। तो गाइस अब आपको आ जाना अपने डाउनलोड्स में। उसके बाद गाइस आपको अपने डायरेक्टरी में डाल लेना है जहाँ भी आप इसको वो करेंगे गाइस एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैं अभी अपने डायरेक्टरी में डाल लेता हूँ, मेरे को जैसे यहाँ पर गाइस पहले से फोल्डर बन रखा है, मैं यहाँ पेस्ट कर लूँगा गाइस। तो गाइस अब मैं यहाँ क्या करूँगा गाइस, इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। ये देखिए यहाँ पर ये गाइस एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मैं इस फोल्डर में जाऊँगा गाइस, उसके बाद गाइस बुगाटी वेरोन पे जाऊँगा। अब गाइस आप इसमें गाइस दो चीज़ कर सकते हैं गाइस, या तो आप किसी व्हीकल से रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस, और या फिर आप उसे मैन्युअली डाउनलोड भी कर सकते हैं। गाइस मैं आपको इस वीडियो में मैन्युअली डाउनलोड करके दिखाऊंगा, क्योंकि गाइस अगर हम मैन्युअली डाउनलोड करें तो हम उसे बाद में हटा भी सकते हैं अगर हमारा मन ना करे उस गाड़ी को ऐड करने के लिए आसानी से। तो आप इस रेडमी टेक्स्ट को पढ़ भी सकते हैं, ठीक है गाइस। कौन सा वर्जन है इसका, ये कुछ स्क्रीन शॉट्स हैं गाइस, ये देखिए कुछ स्क्रीन शॉट्स हैं, ये देखिए ऐसे कुछ कॉल होगी हमारी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आप कैसे करेंगे। आपको जाना है ऐड ऑन में गाइस, और आपको ये बुगाटी नाम का फोल्डर दिखेगा, तो आपको ये जो पूरा फोल्डर है गाइस इसे कर लेना है कॉपी। और गाइस आपको अपनी GTA 5 की डायरेक्टरी में चले जाना है, जैसे जहाँ आपने GTA 5 डाउनलोड कर रखी है। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपनी GTA 5 की डायरेक्टरी में। तो अब मैं यहाँ पर जाऊँगा गाइस अपडेट फोल्डर में। अपडेट फोल्डर में जाने के बाद गाइस अगर आपने अभी तक मोड फोल्डर जो होता है, मोड फोल्डर अगर वो नहीं बनाया है तो आप प्लीज़ बना ले, ठीक है गाइस। तो आपको मॉड्स फोल्डर में जाना है, मैंने गलती से अपडेट फोल्डर बोल दिया, ठीक है। आपको मॉड फोल्डर में जाना है, और आपको नहीं बनाया है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, उसमें बना लीजिएगा, ठीक है गाइस। आपको अपडेट में जाना है मॉड्स के अंदर 6x64 में, फिर आपको जाना है गाइस DLC पैक्स में, और यहाँ वो फोल्डर पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पेस्ट करने के बाद अब आपको वापस उसी डायरेक्टरी में जाना है जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट करी थी। हमारे इतना काम हो गया है गाइस, ये देखिए वापस वहीं आ गए हैं। ओके गाइस अब आपको क्या करना है गाइस, जो दूसरा था DLC का, तो गाइस अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी ओपन IV खोलनी है, ठीक है गाइस। ये सॉरी गाइस ये गलती से कर दिया मैंने, इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। ओके मैं रिफ्रेश कर रहा था गाइस, अब आपको अपनी ओपन IV खोलनी है, ठीक है। अगर आपने अभी तक ओपन IV में अपना मोड फोल्डर नहीं बनाया है, ओपन IV कैसे इंस्टॉल करें आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप ये देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ अपनी ओपन IV खोल रहा हूँ गाइस। तो GTA 5 में विंडोज़ में जाएंगे, ओके। तो यहाँ विंडोज़ में आ गए, ओके। स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है गाइस, आप यहाँ पर रेडमी टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं गाइस, ठीक है। अभी हमें इसे की जरूरत पड़ने वाली है गाइस, आप इसे अभी खोल के रखिएगा, ठीक है। अब हमारा ओपन आईवी खुल गया है। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको पहले एडिट मोड है उसे ऑन कर लेना है, यस करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मोड फोल्डर है उसमें जाना है, मोड फोल्डर के बाद अपडेट फोल्डर में आपको फिर x64 में नहीं जाना, update.rpf में जाना है। उसके बाद आपको कॉमन में, फिर डाटा में, ओके गाइस। तो यहाँ आपको नीचे आने के बाद XML टेक्स्ट के यहाँ पे एक फाइल दिख रही होगी, DLC list.xml। तो आपको गाइस यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट पर जाना है,
ठीक है। इस अगर आप जैसे अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ इसे, और अगर आप इसे डबल क्लिक करके खोलोगे तो हम जैसे कुछ भी देखिए, मैंने यहाँ पर एंटर दबा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं एडिट पर जाऊँगा, एडिट पे करके जाऊँगा तो ही ये होगा, क्योंकि बहुत लोगों की जेन्युइन होती है, मतलब जेन्युइन दिक्कत है कि वो लोग बिना एडिट पे जाने के बाद ही खोल देते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, एडिट पे जाने के बाद फिर आपको वही टेक्स्ट फाइल जो मैंने कहा था वो खोलनी है गाइस। एक मिनट, ये टेक्स्ट फाइल खुल गई। तो गाइस आपको यहाँ पॉइंट्स के बाद यहाँ पर एक दिख रहा होगा, ये लाइन आपको यहाँ से कॉपी करनी है गाइस, और यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। ये देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना गाइस, सेव करना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फोर्थ नंबर पे एक्स्ट्रा टाइटल अपडेट मेटा दिख रहा होगा, इसे भी आपको एडिट करना है, ठीक है गाइस। इसके भी आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है गाइस, ठीक है। यहाँ आइटम वाली लाइन पे एंटर करेंगे गाइस, और अब हम फिर से वही नोटपैड वाली फाइल खोलेंगे, और यहाँ जो ये वाला आइटम है हम इसे पूरा आइटम तक पूरा कॉपी कर लेना है आपको, बस इतना ही कॉपी करना है, ठीक है गाइस। मैंने कॉपी कर लिया है, कंट्रोल प्लस सी दबा के, और यहाँ कंट्रोल प्लस वी दबा के मैं यहाँ कॉपी कर लूँगा गाइस। इसमें थोड़ा सा आपको ना ये जो लाइन स्पेसिंग है इसको थोड़ा आगे कर दीजिएगा, जैसे कि सब डायरेक्ट मतलब सब लाइंस में है, ठीक है। ऐसे ही मतलब इसे सेट अच्छे से कर दीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। आप इसे एक मिनट और कुछ, हाँ ठीक है गाइस। अब आप इसे सेव कर लीजिएगा, सेव। अब गाइस आपको कुछ नहीं करना, बंद करना है सब कुछ, उसके बाद रिफ्रेश करना है। अब गाइस अब मैं आपको GTA 5 खोल के दिखाता हूँ कि आप कैसे स्पॉन करेंगे अपनी बुगाटी वेरॉन को। तो चलिए GTA 5 में मिलते हैं अब। तो गाइस अब हम वापस आ चुके हैं अपनी GTA 5 में। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो हमने मॉड इंस्टॉल किया था बुगाटी वेरॉन का, तो उसे आप मतलब गेम में स्पॉन कैसे करेंगे उस कार। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको अपना जो मैन्यू ट्रेनर है वो खोल लेना है गाइस। अगर आपको नहीं पता मैन्यू ट्रेनर क्या होता है तो एक एक मिनट गाइस रुकिए ज़रा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता गाइस कि मैन्यू ट्रेनर क्या होता है, तो गाइस मतलब गाइस आप इसमें हम अपनी GTA को मॉड कर देते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं इससे गाइस। अगर आपको नहीं आता आप GTA को मॉड कैसे करें, तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे जाके देख लीजिएगा, आपको खोल लेना है। उसके बाद गाइस आपको जाना अपने व्हीकल ऑप्शंस में, उसके बाद गाइस व्हीकल एक्सप्लोरर में। ये जो हमारी बुगाटी वेरॉन है वो अपने आप ही जो सुपर वाले सेक्शन में वो ऐड हो चुकी है, ठीक है। हमें जाना है सुपर वाले सेक्शन में, और यहाँ देखिए आप एक एक करके नाम पढ़ेंगे तो ये देखिए यहाँ लिखना है बुगाटी, आपको कुछ नहीं करना, एंटर करना है गाइस। और ये देखिए गाइस हमारी बुगाटी आ चुकी है, ठीक है। ये देखिए इसका इंटीरियर इंटीरियर भी दिखाता हूँ आपको, एक मिनट ये देखिए, ये देखिए कि इसका कुछ इंटीरियर है गाइस, ठीक है। और पिकअप गाइस बहुत सही है इसका, ये देखिए एक दो सेकंड में 100 200 पकड़ लेती है, ठीक है। तब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका पेंट कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका पेंट चेंज करना है तो आप वापस से वहीं जाइए व्हीकल ऑप्शंस में। उसके बाद गाइस हम ज़्यादातर क्या करते थे, हम मेन्यू कस्टम्स में जाते थे हर गाड़ी का पेंट चेंज करने के लिए, ठीक है गाइस। तो उससे क्या होता है, कहीं ज़माना जो है पेंट चेंज होगा, मतलब कि जो गाड़ी का कलर है डिज़ाइन चेंज नहीं होगी, जैसे कॉम्बिनेशन है कलर्स का, सिर्फ एक कलर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ना इसमें कोई लिवरी दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो आप इसे कैसे चेंज करेंगे, आपको क्या करना है, आपको जाना है बैक जाना है, उसके बाद वापस व्हीकल स्पॉनर में, वापस सुपर में, और फिर आपको अपनी बुगाटी को स्पॉन करते रहना है, ठीक है। अलग अलग कलर में आती रहेंगी, आपको जो कलर पसंद हो आप वो चलाए। ये देखिए सारे जितने भी कलर्स हैं इसके आते हैं, ठीक है। आप और स्पॉन करते रहेंगे, आप अपनी बुगाटी ले लीजिए आपको जो चाहिए, जैसे मेरे को येलो वाली अच्छी लगती है, ठीक है। ये तो भाई इसका कलर का बात हो गया, ठीक है ठीक है। तो बस ये था भाई आज के वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।